फ्रेंड्स, मेरा नाम है कैलाश और मैं आज बताने वाला हूँ कि हम अपनी लाइफ में मोटिवेटेड हमेशा कैसे रह सकते हैं। मैं इसी बारे में बात करने वाला हूँ। तो मैं आपको कुछ सेवन टेक्निक बताने वाला हूँ जिससे आप अपने लाइफ में मोटिवेटेड रह सकते हैं। तो दोस्तों, इन सेवन टेक्निक्स को आप अगर लाइफ में आप यूज़ करेंगे, अपनी लाइफ में इसको इस्तेमाल करेंगे, तो काफ़ी हद तक आप अपने आपको ऑलवेज मोटिवेट रख सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जब कोई भी ऐसा वीडियो ऐसा कुछ भी देखते हैं तो हम लिमिटेड टाइम तक ही उसमें मोटिवेट रहते हैं कि हमें कुछ करना है करना है। बाद में हम ऑटोमेटिक नेक्स्ट डे से फिर से डिमोटिवेट हो जाते हैं, अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं। तो हम अपने आप को मोटिवेट कैसे रखें दोस्तों? फर्स्ट थिंग है कि हमें रियलाइज होना चाहिए कि हम सबका जो टाइम है वो लिमिटेड है। किसी का भी ऐसा अनलिमिटेड टाइम नहीं है। हमें हर चीज़ को लिमिटेड टाइम में रख के ही अपने आप को काम करना चाहिए। क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि धरती पर हम जो भी लोग आए हैं सबका एक लिमिटेड टाइम है और उस टाइम को पूरा करने के बाद हमें जाना है। तो दोस्तों, हमारे पास लिमिटेड टाइम ऑफर है, तो इस बात को ध्यान रखना है। दूसरा है ऑलवेज स्टे हंग्री। मतलब जैसे कि स्टीव जॉब ने भी कहा था कि अपनी लाइफ में हमेशा स्टे हंग्री रहिए, मतलब जो भी काम करना चाहते हैं उसके लिए हंग्री रहिए। जैसे कि आपको कभी भूख लगी हो तो आपके दिमाग में हमेशा एक ही चलता है कि मुझे सिर्फ खाना खाना है खाना खाना है। वैसे ही अपने गोल्स को लेकर, अपने अचीवमेंट को लेकर हमेशा हंग्री रहिए, बस उसी के बारे में सोचिए और उसके अलावा कुछ नहीं सोचते हैं, सब भूल जाइए, तो ही आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। ये कोई सेकंड टेक्निक। दूसरी बात है अपने आप से हमेशा झूठ बोलिए, जैसे कि फेक इट। मतलब कि अगर आपने लाइफ में, लोग कहते हैं कि झूठ मत बोलो, लेकिन अगर कुछ झूठ बोल के आपके लिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है, कुछ पॉजिटिव होता है आपकी लाइफ के लिए, तो ऑलवेज झूठ बोलिए। अपने आप से बोलिए कि अगर आपको कुछ बुरा लग रहा है, आपकी अगर तबीयत ठीक नहीं है, तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि अगर आपको पूरा फील हो रहा है तो आप कह सकते हो आई एम गुड, आई एम फीलिंग गुड। तो कहीं तक आपके माइंड को जो है एक राइट सिग्नल जाएगा, एक फेक सिग्नल जाएगा, जिससे आपके माइंड आपकी बॉडी को कुछ हद तक ठीक कर सकता है। तो ऑलवेज फेक इट। तो कभी कभी ये जो आइडिया है काम करता है। तो ऑलवेज, जैसे कि दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने बुरे टाइम में इस टेक्निक का यूज़ करते हैं। हमेशा अपने आप को अगर बुरे मूड में भी रहेंगे तो ऑलवेज बोलते हैं कि आई एम गुड, आई एम इन गुड मूड। तो दोस्तों, ये टेक्निक कुछ हद तक आपको एक अच्छा काम करने में हेल्प करेगी। ऑलवेज फोकस ऑन योर प्राइज। मतलब जो भी आपका आउटकम, आप जो ड्रीम करते हो, जैसे कि आपको एक लग्जरी लाइफ जीनी है, जैसे भी लाइफ आप स्पेंड करना चाहता हो, बस उसी पर फोकस कीजिए। मतलब काम करते रहिए और अपना फोकस उसी चीज़ पे रखिए जो आप पाना चाहते हो। जैसे कि अपनी लाइफ में आपने कुछ अचीवमेंट के लिए कुछ रखा है, कुछ ड्रीम किया है कि मुझे ये सब अचीव करना है, तो ऑलवेज उसी चीज़ को अचीव करने के लिए काम करते रहिए और उसी चीज़ पे फोकस रखिए कि मुझे वो आज नहीं तो कल मिलना ही है। तो उसके जैसे आप एक कभी ना कभी तो अचीव कर ही लेंगे। तो दोस्तों, ये फोर टेक्निक है कि ऑलवेज फोकस ऑन योर प्राइज। थर्ड वन है कि लास्ट, फिफ्थ वन है कि कहता है कि स्वेट एंड पीस। मतलब कि आप जब भी आप फ्री टाइम में हो तो हमेशा अपने मकसद को लेके काम करते रहिए। जैसे कि आपके लाइफ में कुछ आपको कुछ करना है, तो आप अपने जो भी अपने आपकी जो प्रॉब्लम आने वाली है, जो भी आपकी जो कॉम्पिटेटिंग जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम से बड़ा कुछ करने की कोशिश कीजिए ताकि उस प्रॉब्लम को फेस करने में आपको दिक्कत ना हो। दोस्तों, आप अगर एडवांस में उस जो प्रॉब्लम आप फेस करने वाले हो, आपको पता है कि मुझे ये सब काम करना है, तो उससे बड़ा कुछ प्रैक्टिस कीजिए। कुछ भी आपको सीखना है, कुछ करना है, तो उससे डबल आप मेहनत कीजिए ताकि जब उस प्रॉब्लम को आपको फेस करना हो तो आपको वो प्रॉब्लम बड़ी ना लगे। तो दोस्तों, ये है फिफ्थ टेक्निक की स्वेट एंड पीस। मतलब जब भी आपके पास फ्री टाइम हो, आपका जब समय हो, उसमें डबल मेहनत कीजिए तो आप उस तक पहुँच सकते हो। तो सिक्स टेक्निक है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो पावर से किससे मिलती है, आप किस चीज़ से मोटिवेशन होते हैं। तो नो योर बटन जो सिक्स टेक्निक है। तो अगर आपको पता है कि आपको किस टाइप के वीडियो देखने से, किस टाइप के मूवीज़ देखने से आपको इंस्पायर मिलती है, तो उन्हीं चीज़ों को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके, इंस्पायरेशन मिल सके। और जो लास्ट टेक्निक है, राइट डाउन। अब जो भी अपने लाइफ में काम करते, छोटे छोटा, अगर आप बड़े काम नहीं कर पा रहे तो छोटे छोटे काम कीजिए पहले, और जो भी काम आप पूरा करते हैं उसे समय पर लिखिए। ऐसे करने से क्या होगा कि आप जो भी छोटा काम करते हैं उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा, और इस तरह आप धीरे धीरे काम करके आप कोई भी बड़ा काम इजीली कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये एक तरीका है, इन सेवन टेक्निक्स को यूज़ करके आप अपनी लाइफ में मोटिवेट हो सकते हैं और ऑलवेज है भी सकते हैं और दूसरों को भी मोटिवेट कर सकते हैं। तो इन सेवन टेक्निक्स का यूज़ करके आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।